चरखी दादरी में मैराथन दौड़ हुई है, वो सुरेंद्र चौधरी की जो स्मृति में यह आज दिवस मनाया गया और उनकी जयंती मनाई गई। यहाँ श्रुति चौधरी पूर्व लोकसभा सांसद पहुँची हैं, उन्होंने यहाँ मैराथन दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई। और अब हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक, तो क्या आप लोकसभा चुनाव यहाँ जिला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से लड़ेंगे? बिल्कुल, लड़ते आए और जरूर लड़ेंगे। जो भाजपा के 9 साल की जो 9.5 साल की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, आपको क्या मानना है? उपलब्धियां एक भी नहीं है, क्या किया उन्होंने सिवाय किसान को ख़त्म किया है, खिलाड़ी का मनोबल तोड़ा है, अग्निवीर जैसी घटिया और खराब योजनाएं, जहां आर्मी को ख़राब कर दिया और हमारे बच्चों का मनोबल तोड़ दिया, महंगाई अलग से, क्या किया है? कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि 5 साल के लिए और जो अन्य योजना है वो 5-5 किलो और मिलेंगे, इसको आप क्या मानते हैं? सरकार का काम है नागरिक को अपने पांव पे खड़ा करे। और अनाज की भी जो आप बात कर रहे हो वो भी सही जगह नहीं पहुंच रहा, जहां पे एक तरफ आपने कहा है कि आप नौकरियां देंगे और आज लाखों की तादाद में हमारे नौजवान भाई बहन जो तैयारी करते हैं फौज के लिए और बाकी सरकारी नौकरियों के लिए, उनके साथ क्या हो रहा है? पेपर रद्द हो जाते हैं उनके, पिछड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण का जो बालक है कितनी मेहनत करता है, विपरीत स्थितियों में अपने आप को तैयार करता है। सरकार ने तो जिस प्रकार से अनदेखी करी है नौजवान भाई बहन की, आप देखिएगा इसका परिणाम किस तरीके से उनके सामने, बीजेपी के सामने आएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का कहना है कि जितना विकास इस 9.5 साल में हुआ है कभी पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। अच्छा, वो ये भी कह गए? वो तो दिखते ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ कह रहे हैं वो बैठ के। ये हमारे साथ पूर्व सांसद चौधरी श्रुति थी। अब उनका कहना है कि 9.5 साल में कोई भी सरकार ने काम नहीं करवाया है, लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से जूझना पड़ रहा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।